हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। और ये बना रहे हैं हमारे कुक। तो आज इनकी ही ड्यूटी है कुकिंग करने की। तो इन्होंने बोला कि आज आप रेस्ट करो, डेली आप बनाती हो ब्रेकफास्ट, आज मैं बना के आपको खिलाता हूँ। और वाकई में ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये देखिए क्या बना रहे हैं। और इसमें डाला है इन्होंने एग और लहसुन, प्याज, अदरक और लाल मिर्च जो होती है वो डाली है। लाल मिर्च जो है सूखी वाली नहीं है, गीली वाली ही है, जो ग्रीन चिली हमारी रेड हो जाती है ना, वो वाली। और इस तरीके से इसको सारा चीज़ को ये ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से बना हुआ ये पफी ऑमलेट ना बहुत प्यारा लगता है और बहुत टेस्टी होता है खाने में। और इनके हाथ का बना हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। और जब भी ये आते हैं ना, तो हम लोगों को पक्का न्यू रेसिपीज़ और बहुत सारा खाना बना के खिलाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये डाल देंगे तवे में। और देखिए कितना अच्छा फूला फूला सा ये बन रहा है। और बच्चों को, मुझे और हम सबको ये बहुत पसंद है। और ये जो दरदरा सा ये जो बचता है ना लास्ट में, ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेस्ट यही बढ़ाता है जो ये दरदरा सा लहसुन प्याज सारा चीज़ बचता है ना, ये तो ये यही इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ा देता है। तो देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल धीमी आंच में हम इसको पकाएंगे। और देख, तो ये मंदी आंच में देखिए सिकने लगा है। हल्का ही तवा गर्म था तभी इसको डाला था, ज़्यादा तवा तेज गर्म नहीं था और आंच भी बिल्कुल मंदी थी। और ये देखिए सिक करके हो गया है तैयार। और ये इसको बहुत आराम से पलट देते हैं। तो ये देखिए इन्होंने पलट दिया है और कितना अच्छा फूल रहा है, साइड से आपको दिख भी रहा होगा, इसी तरीके से फूल जाता है। और इसको इतना डार्क नहीं सेकते हैं, इसको हल्का ही सेकते हैं। बट ये मेरे और बच्चों के लिए है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा कड़करा सा पसंद है और मुझे कम सिखा ऑमलेट पसंद नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा इन्होंने तेज सेक दिया है इसको, वरना ये येलो येलो ही होने देते हैं। और इसको पफ के जैसे बनता है तभी इसको बंद कर देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा पिज्ज़े के जैसे इन्होंने काट दिया है। इनका जो सर्व करने का तरीका है ना, वो भी बहुत अमेजिंग है। बहुत अच्छे तरीके से ये सर्व करते हैं। बोलते हैं खाना जितना टेस्टी हो ना, उतना ही अच्छे तरीके से उसको सर्व करना चाहिए, तभी उसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए किस तरीके से निकाल निकाल के हम लोगों को दे रहे हैं। तो आइए और खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी बनाइएगा इस तरीके से। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर बर्तन साफ़ अपने। तो मैं ऐसे ही करके थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस भी 10 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, इसके बाद मुझे टाइमिंग नहीं मिलती, बिल्कुल टाइम मेरे को बीच में नहीं मिलता है। तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा काम ही मैं इसी तरीके से निपटाती हूँ, क्योंकि टाइम मेरे को बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि 10 से 11 मेरा क्लास है, तो 11 से 12 मेरे को बीच में रेस्ट मिलता है, तो उसी में मैं सब्ज़ी कट कर देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, ऐसे ही मेरा काम चलता है। और जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, तो अपने सिंक को इसी तरीके से पूरा मांज देती हूँ और साफ़ करके ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि किसी काम को मैं इकट्ठा कर लूँ और उसको बाद में कर दूँ। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा काम मैं साथ साथ में निपटाती जाती हूँ, और साफ़ सफ़ाई भी साथ साथ में करती जाती हूँ, क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को बहुत साफ़ सुथरे तरीके से रहना पसंद है, और मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा साफ़ सफ़ाई से रहते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल भी डस्ट और गंदगी, बिल्कुल भी कहीं गीलापन, मेरे को सूखापन बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कहीं भी गीला हो जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए देखिए मैं इस तरीके से बर्तन धो के रख देती हूँ। और बर्तन हमारे सारे लगभग बल गए हैं कि धुल गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं धो रही हूँ, और बर्तन जो है ना, मैं ऐसे ही साफ़ कर करके इसी डलिया में रखती जाती हूँ, क्योंकि मैं इतने ही बर्तन साफ़ करती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ कि बड़े बर्तन के डले में रखना पड़े मुझे, और थोड़े थोड़े बर्तन ही मैं रखती हूँ, इसीलिए इसका ही यूज़ मैं करती हूँ और इस तरीके से जमा देती हूँ नल के ऊपर, प्लेट वगैरह। तो ये जो जल्दी सूख जाती हैं, और सूखने के बाद मैं इनको जहाँ पर ये रखती हैं रखती हूँ वहाँ पर रख देती हूँ। तो ये देखिए जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है, और अब बारी है सिंक की, और सिंक को धो देते हैं। और बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, अब बाकी बारी है नहाने की, और इसके बाद बनाएंगे लंच। लंच में क्या बनेगा पता नहीं, तो चलिए चलते हैं नहाने के लिए। बर्तन हो गया है अब मेरा।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कैसे हैं आप सब कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग तो बहुत खुश हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो का एंड कर देती हूं मैं, क्योंकि बिना बात किए आप लोगों से वीडियो का एंड करती हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि वीडियो अधूरा है। और आप लोगों से जब बात कर लेती हूं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और क्या चल रहा है आप लोगों का आजकल। मैं और वर्ड का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। क्या होता है ना कि मेरे साथ में ये है कि एक वर्ड को मैं पकड़ लेती हूँ ना तो एक हफ्ते उसको अच्छे से यूज़ करती हूँ, और जब मुझे लगने लगता है ना कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको छोड़ देती हूँ। तो ऐसा ही हो रहा है अभी मेरे को। और बोलने की इतनी ज़्यादा आदत हो रखी है कि हर बात में और बस यही बोलती हूँ। तो अभी मेरे को भी लगने लगा है कि अब और बहुत हुआ और अब मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। बट धीरे धीरे करके ही जाएगी वो आदत, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ या किसी से बात करती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं और बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ। बट कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना जो हम लोगों को हो जाती है ना, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं कोई भी शब्द पकड़ लेती हूँ, या सुबह उठते टाइम या दिन में कोई भी गाना वगैरह सुन लेती हूँ ना तो पूरा दिन वही बोलने में आता है। और किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और जब मुझे लगने लगता है ना कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो यही सब कुछ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो और अभी तो देखिए, और अभी भी बोल रही हूँ, सोच रही हूँ अंदर से कि ना बोलूँ, फिर भी बोल रही हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। तो कैसे हैं आप सब। अभी तो हमारा टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि अभी आपको पता ही है मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो अभी तो सारा टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अब जब वो चले जाएंगे ना तो हम लोगों को बहुत बुरा लगेगा। और अभी बच्चों का, मेरा, हम सब का टाइम कैसे निकल जाता है दिन भर में पता ही नहीं चलता, खाते बनाते। तो बस ऐसे ही चल रहा है और बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। बस इसी तरीके से दिन गुजरते रहे हैं और आप लोगों का साथ इसी तरीके से मेरे साथ बना रहे। तो चलिए अब अपनी वीडियो का करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। और इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बनाए रखिए, और मेरा साथ इसी तरीके से देते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के जैसे दोस्त अगर मेरे पास में होंगे तो दुनिया में कोई भी मुसीबत हल करने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़े। और अभी सबसे बड़ा टारगेट है मेरा YouTube, के YouTube पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग जाने और बहुत ज़्यादा दोस्त हों मेरे, बहुत बड़ी फैमिली बना पाऊँ मैं। पता नहीं ऐसा कर पाऊँगी कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का साथ इसी तरीके से रहा तो मैं अपना सपना ज़रूर पूरा कर पाऊँगी। और आप लोग भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, और कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करके। और मुझे उम्मीद तो है और उसको पूरा करना आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग मेरा कितना सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, और सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर देखते हैं और कमेंट करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरीके से अगर सभी लोग सभी की हेल्प करें तो सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। बट मेरे साथ आपके जैसे लोग हैं तो मुझे किस बात की टेंशन। तो चलिए चलते हैं और आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। और इसी तरीके से खुश रहिए, भगवान आपको खुश रखे, और बाय बाय।